हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सेमेस्टर 2 बीकॉम के बच्चों के लिए, है ना, कॉर्पोरेट लॉ। यहाँ तक कि ये नेट के लिए भी ये ज़रूरतमंद है, एमकॉम के बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है। तो कॉर्पोरेट लॉ हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं, है ना। और रेगुलर बेसिस पे या रेगुलर या एक एक दिन के गैप पे एक एक दो दो वीडियो हम चैप्टर वाइज आपको क्या करते जाएंगे, डालते जाएंगे। काइंडली आप उसको देखते जाइए, और अगर आपको पसंद आए तो आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि हम लोग आज पहले सबसे पहले जब लॉ पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये सीखेंगे कि कोई भी लॉ इंडिया में बनता कैसे है, लॉ इनेक्ट कैसे होता है। पहले हम लोग इसको बेसिक थोड़ा ऐसे आप लोग जानते होंगे, लेकिन जो बच्चे अगर शायद ना जानते हो तो उनके लिए हम बता देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हाउ लॉ फॉर्म इन इंडिया, है ना, इंडिया में कानून किस तरह से बनाए जाते हैं। सबसे पहला बात है कि इंडिया में कानून बनाता कौन है ना। अगर कोई कानून बन रहा है पूरे इंडिया के लिए तो ये कानून बनाता कौन है, क्लियर है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा। तो जब हम लोग अपना इंडिया का आर्टिकल पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल होता है, ठीक है। और आर्टिकल में ये अधिकार दिया गया है गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट को नहीं, सॉरी, ये दिया गया है असेंबली को, है ना, कि वो लॉ बना सकते हैं, ठीक है। अगर कंट्री के लिए लॉ बनाना है तो असेंबली, जैसे हम लोग लोकसभा और राज्यसभा, है ना, अपर असेंबली और लोअर असेंबली, अपर हाउस लोअर हाउस बोलते हैं, वो कानून बनाते हैं। और अगर किसी राज्य के लिए बनना है तो हमारा विधानसभा जो होता है, ठीक है, वहाँ पर कानून बनते हैं, ठीक है, क्लियर है। चल, ध्यान दीजिएगा। तो स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं, वो बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात समझिएगा, भारत में जो हमारा भारत का जो संविधान है, उस सामने संविधान में कुछ आर्टिकल्स में ये दिया गया है कि भाई आप कानून बना सकते हैं, है ना, ठीक है। आर्टिकल में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। किसको दिया गया है? ठीक है, कानून बनाने का अधिकार, अगर पूरे इंडिया के लिए कानून अगर बनाना है तो उसको लोकसभा और राज्यसभा, मतलब असेंबली जो है, उसको अधिकार दिया गया है कि वो अपना कानून बना सकता है। ऐसा नहीं कर सकते सरकार बना सकता है, क्योंकि सरकार कानून कभी नहीं बनाती बाबू। सिर्फ सरकार होता है तो देखिए, असेंबली में लॉ पास होता है, उस पर डिबेट होता है, बहस होता है, वहां पर गवर्नमेंट के भी लोग होते हैं और अपोजिशन के भी लोग होते हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते कभी भी कि लॉ जो है सरकार बनाती है, लॉ दोनों लोग मिलकर बनाते हैं, ठीक है। मतलब सरकार या जितना भी एमपी एमएलए होते हैं, एमपी लोग होते हैं, वो लोग मिलके बनाते हैं यहाँ पर। और अगर कोई राज्य से संबंधित कानून बनता है तो स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको हम लोग विधानसभा बोलते हैं, वहाँ विधायक बैठते हैं, वो लोग बनाते हैं, क्लियर, ठीक है। एक बार हम लोग, हमें हालांकि हम लोग को इंडिया से रिलेटेड लॉ की बात करना है, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ में हम लोग पूरे इंडिया का लॉ की बात करेंगे, तो हम लोग इसमें समझेंगे तो होता क्या है। जैसे देखिए, जैसे हमारे भारत में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे मंत्रिमंडल होते हैं, ठीक है। एक होता है फिनांस मिनिस्ट्री, ठीक है, होता है कि नहीं होता है। एक होता है लॉ एंड कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। एक होता है आपका टैक्सेशन का मंत्रालय होता है, बहुत अलग अलग तरह का मंत्रालय होता है। तो जिस चीज के संबंध में कानून बनाना है, मेरी बात समझिएगा, ठीक है, क्लियर है। जिस चीज के संबंध में कानून बनाना है, सुनिए मेरी बात, है ना। जैसे मान लीजिए हमको उदाहरण के तौर पे, हम लोगों को अभी हाल में, ठीक है, जीएसटी कानून बनाना था। जो हाल में ही कानून बना है, कौन सा? जीएसटी कानून लेटेस्ट, है ना, ठीक है। 2016 में जीएसटी का कानून बना है। तो ये कैसे बना होगा? तो बना होगा तो इसमें देखिएगा, इससे संबंधित जो मिनिस्ट्री होगा, लॉ एंड कॉरपोरेट अफेयर्स जो होता है, एक मिनिस्ट्री होता है, उनको ये जिम्मा सौंपा गया होगा। उन्होंने क्या किया होगा? पहले कानून को पूरा एक अच्छा से लिखा होगा। ध्यान सुनिएगा, मेरी बात समझिएगा। जब सरकार लॉ बनाना होगा तो उससे संबंधित जो मंत्रालय है वहां पर वो लॉ बनता है, तो वो लोग क्या करता है, पेपर में पूरे कानून को लिखता है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे होगा, ये कानून होगा, ऐसे ऐसे करके क्या होगा, कानून पूरा लिखा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट, या ड्राफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने कानून में ऐसे होगा, ये होगा, ये होगा, ये बातें लिखते हैं हम लोग। उसके बाद लिखने के बाद जो होता है कि भारत का जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा,
वहां पर ये ड्राफ्ट को पेश किया जाता है कि सबका उससे रिलेटेड मंत्री जो है आके सभी क्या बोलते हैं कि असेंबली में इस कानून के बारे में बताते हैं कि इस मुद्दे पर हम लोग क्या कर रहे किए हैं, कानून बनाने जा रहे हैं, और उस कानून में ये उन्होंने ड्राफ्टिंग तैयार की है। पूरे ड्राफ्टिंग को सभी के बीच क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं कि हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये होगा, जैसे जीएसटी कानून बना, जीएसटी ऐसे होगा, ये लगेगा, वो लगेगा, पूरे रूल को पढ़े। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, सभी जो एमपी होते हैं वो डिबेट करते हैं, ठीक है, बहस करते हैं, पक्ष विपक्ष। देखे होंगे आप लोग ना कि हाँ इसमें कानून में गड़बड़ी है, कोई बोलेगा ये कानून में ये चीज नहीं होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, वो डिबेट चलता है। ठीक है, क्लियरिटी है। डिबेट के बाद अगर डिबेट पे जो सरकार फिर इसको क्या करता है, उसमें क्या करता है, ड्राफ्ट में जाके चेंजेस लाता है। ठीक है, ड्राफ्टिंग किया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, चेंजेस लाता है इसमें कि हाँ ये बदलाव के लिए डिस्कशन, जो जिस बात जैसे देखिए वो लोग बोला कि ये बदलना चाहिए, ये ऐड होना चाहिए, लेस होना चाहिए, वो लोग कर लेता है सरकार जाके, और करने के बाद जब वो फाइनल ड्राफ्टिंग करने के बाद, वो बदलाव करने के बाद जो फाइनल बनता है, फिर वो कानून वो फिर से वापस पार्लियामेंट में आता है। ठीक है, प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और उस पर क्या होता है, वोटिंग होता है। हाँ, कि और अगर वोट सरकार इस लॉ के पक्ष में पड़ गया तो फिर वहां से वो बिल क्या होता है, जैसे ही वो पक्ष में पड़ गया, वोटिंग हो गया है ना, तो ये क्या बन गया, बिल क्या बन गया, पहले लॉ था बाबू, पहले वो ड्राफ्ट था। ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है, पहले वो ड्राफ्ट था है ना, ठीक है, और ड्राफ्ट के बाद वो बिल बना, उसके बाद यहां से ये क्या हो गया, पास हो गया। समझ में आ गया बाबू, ठीक है, समझ में आ रहा है बात को, ड्राफ्टिंग हुआ, उसके बाद वो क्या हो गया, वहां पर उन्होंने पास कर दिया बिल, सब लोगों ने वोटिंग से वो मेजोरिटी से हो गया। उसके बाद दोनों हाउस में जाता है, राज्यसभा लोकसभा दोनों में बारी, पहले लोकसभा में जाता है फिर राज्यसभा में जाता है, वहां से बिल पास हो जाता है। जब ये दोनों जगह से बिल पास हो जाता है, उसके बाद जाता है ये क्या, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, जैसे ही पास हुआ बाबू, ये क्या बन गया, पहले वो क्या था, पहले था ड्राफ्ट, जैसे वोटिंग हो गया, वोटिंग में क्लियर हो गया तो क्या बन गया, बिल, सॉरी ये क्या बन गया, एक्ट है ना, ठीक है, समझ में आ रहा बात को। उसके बाद ये एक्ट जाता है कहाँ पर, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, प्रेसिडेंट उसमें सिग्नेचर दे देते हैं, अपनी सहमति देते हैं, जैसे ही प्रेसिडेंट इस दिन इसको सहमति देंगे, ये तुरंत बन गया क्या, बिल। देखिए पहले, सॉरी एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हुआ, पहले वो ड्राफ्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद जब वहां वोटिंग हुआ तो क्या बन गया, वो वोटिंग में पास होने के बाद हो गया, बिल हो गया, बिल पास हो गया, ठीक है, और जैसे ही उसको प्रेसिडेंट की सहमति मिल जाता है, वो एक्ट बन जाता है। पहले रफ जो बनता है उसको ड्राफ्ट बोलते हैं, उसके बाद उसमें डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद वोटिंग होता है, वोटिंग के बाद ये क्या बन जाता है, बिल बन जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि जैसे प्रेसिडेंट इसको साइन कर देते हैं, ये क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ठीक है सर, हाँ सर, ये एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद क्या होता है बाबू, ठीक है, एक्ट तो बन गया ये, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि भारत सरकार का एक होता है ऑफिशियल गजेट, ठीक है ना, ऑफिशियल गजेट है ना, अभी वो कानून बन चुका है लेकिन लागू नहीं हुआ है, जिस दिन ये ऑफिशियल गजेट में पेश कर दिया गया है ना, ठीक है, उस दिन ये क्या बन जाता है, देखिए देखिए सरकार का एक, जैसे मान लीजिए कि अखबार होता है ना, कि अखबार में कोई चीज छपवा दिया, तो जैसे बोल दिया, ध्यान सुनिएगा, जैसे बोल दिया कि 12 का इतना तारीख से एग्जाम होगा, न्यूज़पेपर में आ गया, अब घर घर जाके थोड़े सबको बोलने जाएगा कितना हो गया, तो जैसे न्यूज़पेपर में आ गया, मान लिया गया कि यही मान लिया गया कि सबको इसके बारे में जानकारी हो गया, ठीक है, उसी तरह से ऑफिशियल गैजेट जो होता है, एक सरकारी गैजेट होता है, उसमें जैसे ही ये छप जाता है, उस दिन से ये जमीन पर मतलब भारत में ये कानून क्या होगा, लागू हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ इन लैंड, क्या बनते हैं, लॉ इन लैंड। ठीक है, तो शॉर्ट में मैंने आपको ये समझाया है कि किस तरह से कानून बनते हैं भारत में। सबसे पहले जिस चीज से रिलेटेड ये कानून बन रहा है, उसका क्या होता है, उससे संबंधित मंत्रालय क्या करता है, ड्राफ्टिंग करता है, पहले क्या करता है, ड्राफ्टिंग मतलब रफली उसको लिखता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, असेंबली में इस पर क्या होता है, डिबेट होता है। ठीक है, डिबेट के बाद हो सकता है कि कुछ सुझाव मिलेगा, तो फिर उसमें क्या किया जाता है, बदलाव किया जाता है, बदलाव करने के बाद उस पर क्या होता है, वोटिंग होता है, और वोटिंग में जैसे ही ये बिल पास हो गया, तो वो उस दिन से क्या कहा जाता है, बिल, फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट जिस दिन साइन कर दिए, ये क्या बन जाएगा, एक्ट है ना, और जिस फिर इसके बाद ऑफिशियल गैजेट में इसको डाला जाता है, और जैसे ही ये ऑफिशियल गैजेट में पेश हो जाता है ना, और उस दिन से ये लॉ इन लॉन्ड बन जाता है, लैंड बन, सॉरी लॉ इन लैंड बन जाता है, यानी कहने का मतलब है ये कानून लागू।
तो मैंने ये समझा दिया है कि कानून इंडिया में कैसे बनता है। ठीक है, पहले क्या होता है बच्चा, ड्राफ्टिंग, फिर क्या होता है पार्लियामेंट में डिबेट, अगर उसमें कुछ बदलाव करना है तो फिर क्या लाया जाता है चेंजेज, फिर पहले फिर क्या होता है वोटिंग, जैसी वोटिंग में वो पास हो जाता है तो क्या बन जाता है बिल। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाता है ये प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, प्रेसिडेंट जैसे इसमें साइन कर देता है उस दिन से ये क्या बन जाता है एक्ट। ठीक है, फिर सरकार इसको जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में पेश कर देगी उसी दिन से ये क्या बन जाएगा लॉ इन लैंड, मतलब ये जमीन पर उस दिन से लागू हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है कोई भी कानून के बनने का इंडिया में। क्लियर है? चलिए अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज कंपनी। हम लोग चूंकि देखिए हम सबसे पहली बात है कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी से रिलेटेड लॉ, तो हम लोग एक बार हालांकि देखिए कंपनी का डेफिनेशन कंपनी एक्ट 2013 में अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, वो वाला भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक नॉर्मली है ना, पहले हम लोग उसके पहले समझते हैं व्हाट इज कंपनी, कंपनी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कंपनी इज द लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू एंगेज एंड ऑपरेट द बिजनेस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, कुछ लोगों का ग्रुप है। ठीक है, क्या है, कुछ लोगों का क्या है ग्रुप है, कुछ लोगों का समूह है जो कि कॉमन ऑब्जेक्ट से, और वो भी ऑब्जेक्ट क्या है बिजनेस चलाने की, एक होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कंपनी। यहाँ पर क्या लिखा है, कंपनी क्या है, लीगल एंटिटी है फॉर्म बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, है ना, जो कि किसके द्वारा हुआ है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा क्या किया गया है ग्रुप बनाया गया है टू द ऑपरेट द बिजनेस, है ना, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कुछ लोगों का ग्रुप बनाया गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे कंपनी। हालांकि ये डेफिनेशन नहीं है, 2013 कंपनी एक्ट में डेफिनेशन कुछ और है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर डेफिनेशन है कि जो एक्ट कंपनी एक्ट 2013 या किसी दूसरे तीसरे प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर्ड था उसको हम लोग क्या बोलेंगे कंपनी बोलेंगे, हम लोग डिटेल में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो कंपनी क्या होता है शॉर्ट में समझे, मतलब एक बिजनेस को चलाने के लिए दो या दो से अधिक लोग, बहुत सारे लोग क्या होते हैं एक साथ काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग कंपनी बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कॉर्पोरेट लॉ, व्हाट इज कंपनी लॉ, है ना, कंपनी लॉ को कॉर्पोरेट भी बोलते हैं। कॉर्पोरेट लॉ इज द सेट ऑफ प्रोविजन, है ना, प्रोविजंस मतलब रूल्स रेगुलेशन रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑपरेशन ऑडिट मीटिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। देखिए क्या है कॉर्पोरेट लॉ, क्या है कॉर्पोरेट लॉ, जो है कि सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ प्रोविजंस है ना, प्रोविजंस का सेट है, किसके संबंध में वो प्रोविजन है रिगार्डिंग कंपनी के निर्माण के संबंध में, किस तरह से कंपनी बनाया जाए, किस तरह से कंपनी ऑपरेट किया जाए, उस कंपनी में ऑडिट के क्या प्रोविजंस हैं, उस कंपनी का कब कब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन कौन सा मीटिंग कैसे कैसे हो, उस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नियुक्ति किस तरह से हो, वो कंपनी जब बंद हो तो बंद होने की प्रक्रिया क्या हो, इन सब चीजों के प्रोविजंस का एक सेट है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट लॉ। इसको हम लोग बिजनेस लॉ यानी बिजनेस लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, बिजनेस लॉ फॉर कंपनी, ठीक है, और इंटरप्राइजेज लॉ, ठीक है, या सम टाइम इसको कंपनी लॉ भी कहा जाता है। इज इट क्लियर सब लोगों को? ठीक है, तो आज पहले वीडियो में हम इतना ही तक आप लोगों को बताते हैं इंट्रोडक्शन, लॉ क्या होता है, कंपनी क्या होता है, ये क्या होता है ये। ठीक है, अगले वीडियो में हम डिटेल में आपको और बताएंगे। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए, है ना, और आपको अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा, इन सब चीज़ों को अपने कॉपी में क्या करिएगा नोट करिएगा, बुक में भी लगभग आपको यही चीज़ें मिलेगी। ओके, थैंक यू।